नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा प्लस परिवार में। आप सभी को मालूम है आयोग जाग चुका है, मेरी भर्ती मेरा जुनून जिनका हिस्सा है जिंदगी का, जो लोग चाह रहे हैं कि हमें वर्दी मिलनी चाहिए। सबसे अच्छा मौका 5500 वैकेंसी लगभग 5419 के करीब आपकी जेल वार्डन की। कल आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसके माध्यम से यह बता दिया है कि वह सितंबर माह में इसकी परीक्षा आयोजित कराएगा। तो जितने क्लासेज हैं हम सब कुछ निःशुल्क दे रहे हैं, क्योंकि आप सारे लोग जानते हो कि टीम परीक्षा प्लस निःशुल्क क्रैश कोर्स चला रही है 10+ कोर्सेज के अंतर्गत, जिसमें हम सभी वीडियोज आपको निःशुल्क देते हैं। अगर हर एक क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, हर एक क्लास की आपको क्विज चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नाम मात्र का शुल्क भैया, ठीक है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है जो 150 रुपीज पर मंथ है। यानी मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है कि लॉकडाउन में आपको कुछ सोचना पड़े। बाकी सारी क्लासेस निःशुल्क हैं। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, पूरी क्लासेस 1 से लेकर जो है पूरा 0 तक, ठीक, पूरी चीजें लगी हुई है, टोटल सब कुछ फ्री लगी हुई है। आराम से मस्त होकर पढ़ाई करो, और मेरा दावा है इससे बाहर कुछ नहीं आना है, ठीक है। तो जो लोग अपने जिंदगी में इस चीज को अहम रोल निभा रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है, कोई भी समस्या होती है आपको हमारे किसी क्रैश कोर्स से जुड़ना है, चाहे आप ईपीएफओ से जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको इस नंबर पर कॉल करना, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से जुड़ना चाह रहे, यूपीपीसीएस बीओ से जुड़ना चाह रहे, ठीक है, या फिर आप लेखपाल के कोर्स से जुड़ना चाह रहे, या उनके अलावा जैसे अभी जेल वार्डन की जो आपकी भर्ती आई है, परीक्षा जो फायरमैन की परीक्षा घोषित की गई है, तिथि माह घोषित है सितंबर, परीक्षा जो है उसमें बहुत जल्द ही आपका नोटिफिकेशन, मैंने सिलेबस भी बता दिया है, लेखपाल सिलेबस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको कहीं से भी परेशान नहीं होना है। टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए सबसे बेहतर विकल्प आपके सामने लेकर आई है, ठीक है। हम लोग आपको हर एक, आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर ये स्पेलिंग डालनी है परीक्षा प्लस की, ठीक है, और हमारा ऐप आपको मिल जाएगा, इस ऐप को इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, वहां पर सबसे ऊपर ही आपको क्या दिखेगा, ठीक है, 10+ कोर्स आपको दिखेगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने लेखपाल का कोर्स खुल के आएगा और जेल वार्डन का कोर्स खुल के आएगा। जैसे जेल वार्डन पर आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज पूरा का पूरा 1 to all, ठीक है, पूरे वीडियोज मैथ का हो गया, ठीक है, रीजनिंग का हो गया, जीएस का हो गया, सभी के वीडियोज आपको हिंदी का हो गया, ठीक, पूरे वीडियोज वहां पर आपको लगे मिल जाएंगे, आपको पढ़ते चला जाना है, जैसे क्लिक करोगे वो वीडियोज प्ले हो जाएंगे, आपकी पीडीएफ लॉग दिखाएगी। अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाह रहे हो, वीडियो से नोट्स बनाना चाह रहे हो, पढ़ सकते हो, कोई भैया आपत्ति नहीं है। अगर आपको लग रहा कि ये सारे क्विजेज, ये सारे ऐप जो है पीडीएफ हमें मिल जाते, तो भैया वही बगल में आपका 499 का पेमेंट है, उस पर आप क्लिक करिए और 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए, जिससे सब कुछ आपका बेहतर हो, ठीक है। तो सारे लोग जो मित्रगण लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या जो मित्रगण किसकी तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डन जो आपकी भर्ती है अभी जो आई है सितंबर माह में, जिसके बारे में सब कुछ हो चुका है, वो सारे लोग मेरे द्वारा 2 बजे जो हिंदी पढ़ाई जा रही है 2 PM पर हिंदी, ठीक, इन सभी लेक्चर्स को भैया फॉलो करना है अच्छे से, इससे बाहर UP SSC का कोई दायरा नहीं है। आज मैं आपको हिंदी में जो पढ़ाने जा रहा हूं वो सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था, मैंने आपको विकारी शब्दों को पढ़ा दिया है ढंग से, आज हम अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। अविकारी शब्द यानी जिसमें लिंग वचन इन सभी के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं आता है, इनको अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अविकारी शब्दों में इनकी जो संख्या है या इनको जो बोला जाता है, इनको हम अव्ययी बोलते हैं, अविकारी शब्दों को अव्ययी बोलते हैं। यानी ऐसे शब्द मिलेंगे जिन पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, उनमें हमेशा आपको एक रूपता दिखने को मिलेगी, चाहे जिस लिंग के साथ प्रयुक्त हो, चाहे जैसे वचनों के साथ प्रयुक्त हो, हमेशा उनमें एक रूपता दिखाई देती है। इसी वजह से प्रयोग के आधार पर जो 2 तरीके के शब्द बनते हैं उनमें इनको अव्यय के तौर पर हम जानते हैं। इनकी संख्या भैया मैंने बताया था आपको कि इनकी संख्या 4 होती है। पहला जो इसमें आता है वह क्रिया विशेषण होता है, आज इसी टॉपिक को हमें पढ़ना है, ठीक, क्रिया विशेषण को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन तीनों को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा अव्यय का पोर्शन पूरा हो। एक चीज ध्यान रखना, जितने लोगों के दिमाग में यह बना है कि अव्यय नहीं आता, UP SSC 2019 के पेपर खोल लेना भैया, ठीक है, वहां से तुम देख लेना कैसे कैसे प्रश्न पूछा है।
मैं बताता चलता हूं कि आयोग ने यहां से पूछा है, मैंने पेपर जितने 19 में हुए हैं नए पैटर्न पर टीसीएस ने करवाए, सब कुछ देख रखा है अच्छे से, ठीक है। इसीलिए मैं उस अनुसार पढ़ाता हूं और यह दावा करता हूं कि इतनी हिंदी पढ़ लिए, इससे बाहर हिंदी कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आज क्रिया विशेषण के बारे में मैंने बता मुझे आपको बताना है, और क्रिया विशेषण से पहले आपको ध्यान होगा जब मैं आपको विशेषण पढ़ा रहा था, बहुत ढंग से मैंने पूरी चीजें पढ़ाई है बच्चा, ठीक है। सब कुछ 10+ कोर्सेस के अधीन पूरा का पूरा लगा हुआ है, पढ़ डालो, 4 महीने का समय है, बहुत पर्याप्त समय है, ठीक है, सब कुछ निकल जाएगा। अगर आपके अंदर जुनून है तो टीम आपको हौसला देगी, टीम मनोबल देगी, टीम आपको एक सच्चे मार्गदर्शक की भूमिका में मिलेगी, आपको सिर्फ उस पथ पर चले जाना है भैया, क्योंकि सफलता आपके कदमों से होगी, आपके चलने से होगी। कोई भी पथ प्रदर्शक जो रास्ता सुझाता है उस रास्ते पर चलकर किसी व्यक्ति को सफलता नहीं दिला सकता। हमारी भूमिका हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि हम आपको वो चीज पढ़ाएं जिससे कि व्यक्ति सफल होता है, या हम पीएचडी के उद्देश्य से आपको नहीं पढ़ाते। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना अगर आप पढ़ रहे हो तो भैया ये मान के चलो कि आप एकदम बहुत अच्छे से सही दिशा सही दशा में जा रहे हो। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि अच्छा सर जी कौन से हिंदी की किताब बता दो, सर जी वो लूसेंट लिए है, सर जी वो आदित्य लिए है, कुछ नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा उसको कर लेना। टेस्ट सीरीज आएगी जेल वार्डन की, लेखपाल की आएगी, ठीक है, उस टेस्ट सीरीज को लगा लेना, कल्याण 100% है, कहीं भी कोई दुविधा नहीं रहेगी, ठीक है। तो उतना विश्वास करो, मैं विशेषण शब्दों को पढ़ा रहा था तो विशेषण शब्दों में मैंने आपको क्या समझाया था कि विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं। संज्ञा शब्दों की जो विशेषता को बतलाए वह विशेषण हो गया। वहीं पर मैं आपको ध्यान होगा कि मैंने एक पॉइंट यह भी जोड़ा था कि जहां पर विशेषण क्रिया की विशेषता को बतलाने लगे, यानी जिस शब्द से किसी के काम के करने या किसी के होने पाए जाने के लक्षण की विशेषता को कोई अगर बतलाने लगे तो वह शब्द क्रिया, वहां पर विशेषण जो होगा इनके साथ जुड़कर क्रिया विशेषण नामक एक विशेष शब्द की रचना होती है। क्रिया विशेषण आपका अव्यय के अंतर्गत आता है। अव्यय का मतलब जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना, यानी क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। मैंने समास पढ़ाया था, वहां अव्ययी भाव समास पढ़ाया था, उसमें अव्यय के बारे में थोड़ा सा जिक्र था। आज सब कुछ पढ़ लो जहां से कोई भी संशय बरकरार ना रह जाए। करना क्या है, आज हम क्रिया विशेषण पर चलेंगे। तो क्रिया विशेषण में मैंने पहले ही परिभाषा बता दी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जब विशेषण पढ़ाया था तो वहां मैंने क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं, समझ गए ना, बहुत ढंग से समझना है, एक एक बिंदु को समझना है। जैसे क्रिया विशेषण के अगर मैं उदाहरण आपको बताऊं तो क्रिया विशेषण में हमेशा आप जानते हो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मैंने एक बहुत कॉमन सा शब्द लिख दिया आपके सामने, मैंने लिख दिया धड़ाधड़, ठीक है। आप बोलते नहीं है धड़ाधड़ गिरे जा रहे थे, धड़ाधड़ छक्के लग रहे थे। अब यहां पर क्या है, ये धड़ाधड़ शब्द चाहे जिनके साथ प्रयुक्त कर लो कोई परिवर्तन कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। यही चीज क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी ऐसे जो शब्द आ जाए जिनमें कोई भी परिवर्तन लिंग वचन काल कारक के अनुसार संभव ना हो वह अविकारी शब्दों के अंतर्गत अव्यय कहलाते हैं। और क्रिया में मतलब ऐसे शब्द मिले जो किसी कार्य के करने की विशेषता को दर्शा दें वो ये शब्द आपके क्रिया विशेषण के अंतर्गत होते हैं। शब्द बहुत प्रकार से मिलेंगे, इसी वजह से जो अव्यय के 4 रूप पढ़ने पड़ते हैं, पहला क्रिया विशेषण होता है, दूसरा आपका क्या होता है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, क्योंकि शब्द ही बहुत कुछ सूचित करते हैं, समझ गए। तो अब मैं व्यापक तौर पर इनको बताने जा रहा हूं, जितनी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, वह चीजें इतना पर्याप्त मटेरियल है कि एक बार खुली नेत्रों से, ठीक है, खुले चक्षुओं से कर्ण पल्लवों को एकदम आजाद करके स्वतंत्र मना मस्तिष्क से इन सारी चीजों को पढ़ लो तो कहीं भी कोई भी दुविधा नहीं बचेगी, ठीक है। बात को समझिए और अपने मना मस्तिष्क को पूरी तरीके से केंद्रित करिए कि जो हम पढ़ रहे वो चीजें आपके भविष्य निर्माण में कितना सहायक होने जा रही है, ठीक है। कोई भी चीजें अपने मन में नहीं रखना है, जो कुछ पूछना है उन सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी होती है हर एक वीडियोस के, टेलीग्राम ग्रुप पर आओ, ठीक है,
जो नंबर मैंने पहले बताया वो नंबर्स पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, सारी समस्याओं के लिए टीम बैठी है। आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी चीजें हम पर छोड़ दो, ठीक है। टीम हर एक चीजों के, आपकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान में पूरी तरीके से हर मामले में आपके साथ है। आपको सिर्फ पढ़ना है, दिमाग को एक जगह संतुलित कर देना है, कहीं भटकाओ की चीजें मत लाओ बच्चा, ठीक है। आप एक दिमाग में बना लो, मेरी वर्दी मेरा जुनून, और वो चीजें टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बेहतर करेगी। क्रिया विशेषण देख लो परिभाषा क्या है, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी जब से टीसीएस करवाने लगी तब से इसने इन सारे मैटर्स पर, इन सारी चीजों पर, इन सारे तथ्यों पर सवाल पूछना प्रारंभ कर दिया है। पहले तो इनकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं होती थी कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ना, लेकिन बच्चा आजकल पढ़ना जरूरी है। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध करवाते, शब्द क्रिया विशेषण कहलाते, मैंने पहले ही बता दिया। एक दूसरी परिभाषा को यहां समझ लो कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है, पहला उदाहरण, हिरण तेज भागता है, हिरण भागता है, यह तो समझ गए कि हिरण भागने का, दौड़ने का कार्य कर रहा, लेकिन दौड़ने के कार्य को कैसे बताया, तेज भागता है। एक क्या होता है, जैसे ठीक ससुराल जाते हैं, एक कहावत है हम लोगों के यहां कि ऐसी चाल चल रही कि बतासा ना फूटे, ठीक है, जानते ही होंगे, एक ये कहावत है कि ऐसी चाल चल रही कि बतासा ना फूटे पांव के नीचे। तो यहां पर क्या चल रही, यहां पर वो बातें नहीं है, यहां हिरण तेज भागता है मतलब भागने की विशेषता को तेज शब्द दर्शा रहा, इसलिए तेज शब्द क्या है, क्रिया की विशेषता को दर्शा रहा, इसलिए क्रिया विशेषण है। समझ गए, बहुत बढ़िया। क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण को देख लो, कोई भी डाउट, कोई भी संख्या आपके दिमाग में ना रह जाए। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, चलना है तो ये तो क्रिया हो गई, लेकिन कैसे चलता है, ठीक है, छमक चले रामचंद्र, जानती ही है, ठीक है। यहां धीरे धीरे चल रहा है मतलब वही बतासा ना फूटे वाली चाल से, तो यह जो क्रिया की विशेषता बतला रहा यह शब्द क्या है, यह क्रिया विशेषण के उदाहरण है। समझ गए। दूसरा उदाहरण, खरगोश तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता बतलाने का कार्य तेज शब्द कर रहा, इसलिए यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है मतलब आगे जा रहा है शेर, लेकिन धीरे धीरे, ये नहीं कि एक स्पीड पकड़ी और 70 की स्पीड से बाउंड्री लाइन के बाहर हो गया। यहां जितने भी शब्द मिलेंगे इन सारे शब्दों में आप देख रहे हो जो क्रिया शब्द है, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा, उनसे पहले एक शब्द लगे हैं और उन शब्दों से क्रिया की विशेषता की पहचान हो जा रही, इसीलिए यह सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब क्रिया विशेषण के क्या भेद बनते हैं, क्या जो क्रियाएं होती हैं क्रियाओं के भेद बनते हैं। जब क्रिया, मैंने इससे पहला लेक्चर जस्ट पढ़ाया अभी कल ही, उसमें मैंने आपको क्रिया के तमाम भेद समझाए, तो जब क्रिया के भेद बनेंगे तो जाहिर सी बात है क्रिया विशेषण के भी भेद बनेंगे। समझ लो, सबसे पहला मैंने लिया है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने बनते हैं, अर्थ के आधार पर, ठीक है, समझो भैया, अर्थ के आधार पर चार भेद होते हैं, दिमाग में बनाए रखना, यूपी ट्रिपल एससी ने इसको भी पूछा है, ठीक है, इसको पूछा है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, और एक उदाहरण उसने ये भी पूछा है, ठीक है, ये परिमाणवाचक जो आपका क्रिया विशेषण होता है, इससे एक सवाल उसने दिया था, पूछा था ये किसका उदाहरण है, तो भी ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं जब से ये यूपी ट्रिपल एससी नया आयोग बना है भैया, ठीक है, इसमें जो प्रश्नों के पूछने की प्रकृति है उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अतः मेरे द्वारा जितने लेक्चर पढ़ाए गए हिंदी, उनको ढंग से पढ़ो, सारी क्वेजेस को दे लो, टेस्ट सीरीज आएगी उसको दे लेना, फिर अपने दिमाग को शांत कर लेना कि हमारी तैयारी अच्छी हो गई है। देखो, पहला जो होता है यह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, दूसरा विभेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। चार प्रकार के अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का विभेद होता है। अब कौन कौन से होते हैं इनको समझ लो। पहला जो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्या कालवाचक, वाचक का अर्थ होता है बोलने वाला, ऐसे शब्द मिल जाएं जो काल को बताने लगे, काल को बोलने लगे। आप जानते हो कि वर्तमान, भूत और भविष्य तीन काल तो होते ही है, यानी
वह क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते वह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जब क्रिया होती उस समय का बोध कराने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जानते हैं रखते हैं। जैसे आज बरसात होगी, आज बरसात होगी मतलब होनी है, तय है, दर्शा तो रहा, कोई ना कोई समय तो पता चल रहा, काल पता चल रहा, यानी इसमें बरसात के होने का समय का बोध हो रहा है भैया। ठीक है, इसके उदाहरण और कौन कौन से होंगे कालवाचक के दिमाग में रख लो। परसों लिखा है, पहले लिखा है, पीछे लिखा है, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार, ये शब्द जहां मिल जाए पूछे इनमें से यह किसका उदाहरण है वहां दिमाग में बना लेना, ये तो काल को बता रहे, गुरु जी ने बताया था। ठीक है, और फट से उदाहरण को टिक कर देना, बहुत बढ़िया। दूसरा, इनके अन्य उदाहरण देख लो, जैसे ये तो मैंने समझा दिया आज बरसात होगी, इनके अलावा जैसे राम कल मेरे घर आएगा, राम घर आएगा मेरे, लेकिन कल आएगा, इससे क्या पता चल गया कि जो होने वाली क्रिया है उसका हमें समय पता चल गया भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे उदाहरण भी मैंने लिखे हैं, ठीक है, जैसे वह कल आया था, एक उदाहरण मैंने लिया, वह कल आया था, आने का समय मालूम चल रहा कि कल आया था, तो जिन शब्दों से हमें समय का विभेद पता चल जाए वहां समझ जाना कि यह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं भैया। ठीक, इसमें बहुत सारे उदाहरण मैंने अलग अलग तरीके के, मान लो कहीं वाक्य आपका कोई परिवर्तित होके आ गया, अब आप संशय में आ गए कि गुरु जी ने यह नहीं बताया था, इसीलिए मैंने जितने तरीके के विभेद हो सकते सब कुछ लिखा है। हमारा मित्र अभी आ जाएगा, यहां भी पता चल रहा अभी आ जाएगा। अगला है अब कभी मत आना, ठीक है, मैंने अभी कभी इन सारे शब्दों को इससे पहले बताया कि जहां ये मिलेंगे वहां समझ लेना है क्या है कि वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आपके सामने लिखा है। वह पहले कभी नहीं आया, वह अभी अभी तो आया था, रवि बार बार मेरे घर आ जाता है, यह यहां पहले ही पहुंच चुका है। ये जितने शब्द हैं इन सारे शब्दों को मैंने पहले ही उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया कि बच्चा जहां मिल जाएंगे आंख बंद करना और बता देना कि गुरु जी ने कहा था, टिक मार दो। समझ गए, बहुत बढ़िया। दूसरा विभेद को मैं आपके सामने रख रहा हूं, रीतिवाचक। ठीक है, आखिर रीति क्या होती है, रीति का जैसे आप पढ़ते नहीं हो कि हमारे रीति रिवाज, वही रीतियां हैं भैया, कुछ अलग नहीं है। यानी ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी क्रिया कैसे हो रही है इस चीज के बारे में जहां से आपको पता चल जाए वहां तुरंत खट से टिक मार देना, गुरु जी ने बताया था। समझ गए, देखो उदाहरण, जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, अब यहां जो तेज शब्द आया इसमें दौड़ने की तो क्रिया हो रही है लेकिन तेज दौड़ता है यानी उसकी जो रीति है, क्रिया का प्रकार है, वह क्रिया का प्रकार यहां दर्शाया गया है। ठीक है, कालवाचक में दूसरा था, यहां क्रिया के प्रकार को दर्शाया जा रहा कि क्रिया संपन्न हो रही तो कैसे। ठीक है, क्रिया यहां दौड़ने की क्रिया तेजी से संपन्न हो रही, रफ्तार के बारे में पता चल रहा है और इससे यह जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, अन्य उदाहरण देख लो, अचानक काले बादल घिराए। ठीक है, और इस समय चल ही रहा है मानसून, आपका पहुंच चुका है 1 तारीख को गुजरात वगैरह के इलाकों में, अगर आप ठीक है न्यूज से अपडेट रहते हैं तो जानना जरूरी है। अचानक काले बादल घिराए, अब यहां पर भैया देखो, यहां पर जो बादल घिरने की आशंका है, बादल घिरने का आना हुआ वह अचानक से हो गया। ठीक है, तो यह भी तो आपका क्या कह रहा, यह भी तो एक रीति बता रहा, धीरे धीरे बादल आ रहे, 4 दिन से मौसम बना रहा, यहां अचानक से काले बादल घिराए और बारिश होने की संभावना प्रबल हो गई। तो समझ गए, ऐसे उदाहरणों को हमेशा हमें कैसे, जहां क्रिया के होने की विधि का पता चले, रीति का पता चले, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण बिना कुछ सोचे समझे टिक कर देना, क्योंकि गुरु जी ने बताया था। अगला उदाहरण और देख लो भैया, जैसे मैंने यहां जितने लिख रखे हैं ये उस अनुसार यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है,
इसलिए मैंने बहुत सारे विभेदों को, बहुत सारे उदाहरणों को आपके सामने रखा है, और मेरे जितने उदाहरण होते हैं वो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। मैं इसीलिए इन चीजों पर ज्यादा फोकस करता हूं कि वो उदाहरण आपको फिर से देखने को मिले। देखो भैया, रमेश धीरे धीरे चलता है। रमेश चलता तो है लेकिन कैसे, ठीक है, धीरे धीरे चलता है। यहां क्रिया हो रही लेकिन क्रिया की रीति तो पता चल रही, विधि तो पता चल रही, इसलिए ये क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। नेहा कड़ी मेहनत करती है, मेहनत करती है नेहा लेकिन कड़ी मेहनत करती है, ठीक है, यह भी तो रीति है, विधि है क्रिया की, ठीक है। अगला है, नई जगह पर धीरे धीरे चलना चाहिए। वह मेरी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी, मुस्कुराई तो ठीक है लेकिन मेरी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी, मेरी ओर गुस्से से देख रही थी, ये सब भी तो विधियां हैं, रीतियां हैं। इन सभी का उदाहरण क्या होगा, अब ये उदाहरण आपका थोड़ा डिफरेंट मिल गया। तो ध्यान रखना कि रीतिवाचक में ऐसे भी वाक्य आपको मिल सकते हैं। और टीसीएस भैया हमेशा नया करने का सोचता है, ठीक है, ऐसे उदाहरण देगा जिसमें आप फंस सको, इसीलिए बहुत अच्छे से उदाहरणों को समझना। अगर नोट्स नहीं ले रहे हो तो बहुत ढंग से लिख लेना कि इसको गुरुजी ने इंपॉर्टेंट बताया था। और जब भैया 19 में जो पेपर हुए हैं उन पेपर को आप पढ़ोगे तो मेरी बातें वहां सत्य आपको प्रतीत होंगी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य विभेद देख लो, इसमें कई विभेद इसके बनते हैं क्योंकि रीतियां बहुत सारी होती हैं भैया। जो क्रिया होने की, क्रिया के होने की विधि है वह कई प्रकार में होती है, इसीलिए इसके विभेद पढ़ने पड़ते हैं। पहला होता है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, यानी यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते जब हमें क्या हो, कोई निश्चय व्यक्त करना हो, वहां पर हमें इन चीजों को दर्शाना पड़ता है, इन शब्दों को लिखना पड़ता। जैसे पहला शब्द मैंने लिखा अवश्य, दूसरा लिखा बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, सही, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, दरअसल, ये जो शब्द हैं ये निश्चितता को दर्शा रहे भैया, यानी कोई चीज एकदम पूर्ण हो गई, आपको लग रहा कि ये निश्चित है। जैसे दूसरा जो प्रकार बनता है अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, अनिश्चयवाचक यानी यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयुक्त होंगे जब हमें क्रिया के होने की अनिश्चितता होती है। जैसे शायद, शायद राम आ जाए, आए, कदाचित मेरा मित्र वहां होगा, ठीक है, संभवतः आज बारिश हो, ठीक है, अक्सर वह मिलता है मुझे, बहुत कर, ये जो शब्द हैं, यथा संभव, ये सारे शब्द अनिश्चितता को दर्शा रहे, यानी निश्चय नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हो वहां अनिश्चयवाचक रीति जो है वाचक विशेषण का प्रयोग होगा। अगला क्या है, कारणात्मक क्रिया विशेषण, जहां पर कोई कारण का जिक्र करना हो, यानी ऐसे क्रिया विशेषण तब प्रयोग किए जाते हैं जब हमें किसी क्रिया के होने का कारण व्यक्त करना हो। जैसे उदाहरण क्या क्या लिखोगे, अगर कहीं आपने क्योंकि शब्द जोड़ दिया और अतः जोड़ दिया, अतएव जोड़ दिया, इसलिए जोड़ दिया, ये सब क्या होते हैं, किसी कारण को व्यक्त, किसी रीजन को बताने के लिए प्रयुक्त होते, इसलिए ये सब किसके उदाहरण है, कारणात्मक क्रिया विशेषण के उदाहरण के अंतर्गत है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला है आकस्मिकता, ठीक है, यानी जहां पर आपको कोई जरूरत मिल जाए, आकस्मिक कोई चीजें हो, दर्शानी हो, वहां पर हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, ये शब्द जो हैं ये आकस्मिक संभावनाओं को दर्शाते हैं, आकस्मिक घटनाओं को दर्शाते हैं, इसीलिए इनको एक अलग विभेद के अंतर्गत जानते हैं। अगला है स्वीकारात्मक, यानी किसी चीज को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो वहां पर जो शब्द प्रयुक्त होते उन्हें स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण के विभेद के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सच, ठीक, बिल्कुल, जी, अच्छा, ऐसे शब्दों को हमने बोला तो ये सारे शब्द क्या हो गए, ये सभी शब्द आपके स्वीकार करने वाले हो, अच्छा ठीक है, कर लूंगा, ठीक। अगला है क्या आपका निषेधात्मक क्रिया विशेषण, निषेध, जहां कोई मनाही किया जाए, आपको रोका जाए बच्चा, ठीक है, यानी यह क्रिया विशेषण शब्द हम किसी क्रिया के होने को नकारने के लिए करते हैं। जैसे ना, मत, नहीं, ऐसे शब्द जहां पर मिले वहां समझ जाना कि आपको किसी चीज से निषेध किया जा रहा, रोका जा रहा। अगला है आपका आवृत्तात्मक,
यानी जहां पर किसी चीज के बार बार होने की संभावना मिले, किसी भी क्रिया में निरंतरता दिखाने के लिए इस क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे घटाघट, धड़ाधड़ आदि, ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द आपके आवृत्तात्मक हैं, यानी बार बार किसी चीज को होने को दर्शा रहे। अगला है औदाहरक क्रिया विशेषण, ठीक है, इसमें ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे ही, तो, भर, तक, ठीक, भी, मात्र, सा आदि, ये जो शब्द होते हैं ये सब औदाहरक होते हैं। इन चीजों को बहुत ढंग से जानना। अगला है निष्कर्ष क्रिया विशेषण, मतलब कहीं पर आपको बहुत कुछ विश्लेषित किए और एक आप परिणाम पर पहुंच गए, यह क्रिया विशेषण निष्कर्ष शब्दों को व्यक्त करते, जैसे अतः, इसलिए, आदि, ये जो शब्द आपको मिलेंगे ये सभी शब्द निष्कर्ष को दर्शाने वाले होते हैं। ठीक है, कुछ को मैंने कारण, जो कारण वाले थे उसमें भी लिखा है, लेकिन हमेशा याद रखना कि दो को एक साथ कभी भी विकल्प में नहीं देता है। ठीक है, ऐसा नहीं आप कहें कि गुरुजी ये तो वहां भी बताए थे, कभी भी दो विकल्प इस टाइप से नहीं मिलेंगे, जहां मिलेंगे वहां गलत होगा। ठीक है, अगला है भैया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसको जान लो, वो तो पहले के बारे में हमने पढ़ा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ठीक है, देखो समझो अच्छे से, वह शब्द जो क्रिया के होने वाली जगह का बोध कराते, पहला कालवाचक मैंने बताया, दूसरा रीतिवाचक बताया, तीसरा स्थानवाचक जान लो। स्थानवाचक का अर्थ है कि क्रिया के होने वाली जगह का जो बोध करा दें वो क्या होते हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, जैसे समझो इन चीजों पर, अगर शब्द कहीं पर कैसे मिल रहे, यहां, वहां, कहां, जहां, तहां, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, पास, अंदर, किधर, इस ओर, उस ओर, इधर, उधर, जिधर, दाएं, बाएं, ऐसे शब्द जहां भी मिल गए तो वहां पर क्या है, किसी स्थान के ही संकेत को तो दर्शा रहे, इसी चीज को तो जानना है, ये किसी ना किसी स्थान के संकेत को ही दर्शा रहे। और जहां किसी स्थान के संकेत की बात आएगी तो वहां हमेशा ध्यान रखना कि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद भैया, इनके उदाहरणों को समझ लो। जैसे जो इन शब्दों के बारे में मैंने चर्चा किया वही तो उदाहरण में प्रयुक्त होंगे। पहला यहां उदाहरण देखो, उमेश यहां सोता है, यहां जो शब्द आया ये क्या हो गया, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण बन गया। दूसरा है आयुष वहां बैठा हुआ है, अब बैठा तो हुआ है, क्रिया जो है लेकिन क्रिया के स्थान को बता रहा कि वहां बैठा है। ठीक, समझ गए। ऐसे ही जहां पर आपको शब्द मिलेंगे, बच्चे ऊपर खेलते हैं, ठीक है, अब घर के ऊपर, छत के ऊपर, कुछ भी हो गया, वहां पर बच्चे खेल रहे, यानी उस स्थान का पता चल रहा कि खेलने की क्रिया ऊपर हो रही बच्चों की, समझ गए। ऐसे शब्द जहां भी मिलेंगे उन शब्दों में हमेशा दिमाग लगाना है कि ये सब बच्चा क्या है, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले उदाहरण है, और फट से टिक कर देना कि गुरु जी ने बताया था। बहुत बढ़िया, अगला क्या है, अब वहां अकेला मजदूर था, मतलब जितने मजदूर थे वो सब जा चुके थे वहां से, एक अकेला मजदूर वहां बचा था, तो वहां जो शब्द आ गया यह स्थान को दर्शा रहा, तो स्थान को दर्शाया, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बन गया। बहुत बढ़िया, अगला जैसे तुम बाहर बैठो, वह ऊपर बैठा है, अब ऊपर जो शब्द यहां आया, बाहर शब्द आया, ये भी तो स्थान को दर्शा रहे, क्रिया हो रही लेकिन क्रिया को स्थान को ये लोग बहुत अच्छे से परिभाषित कर रहे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, जैसे नीमा बाहर जा रही है, अब बाहर जा रही है नीमा, ठीक है, बाहर जो शब्द हुआ ये स्थान को परिलक्षित किया, स्थान को दर्शाया, इसीलिए ये किसका उदाहरण होगा, यह उदाहरण आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बनेगा, समझ गए। बहुत बढ़िया भैया, आगे देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण मैंने लिखे हैं। सुधा बाहर गई है, सुधा कहां गई है, बाहर गई है, जाने का कार्य हुआ उसका, कहां, बाहर जाने का कार्य हुआ, तो यह स्थान को ही तो दर्शा रहा। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, भाई रोज उधर जाता है, तुम अपने दाएं चलते जाओ, तुम्हें अपने बाएं मोड़ जाना है। ठीक है, ये जो शब्द हैं दाएं बाएं, ठीक है, हर दिन, ठीक है, उधर, ये जो शब्द है ये सभी क्या दर्शा रहे, किसी स्थान विशेष को दर्शाते, और जहां पर होंगे, अब स्थान को बता दिया तो विशेषण का तो कार्य हुआ, क्रिया की विशेषता को तो बतलाया, यानी ये सभी क्या है, स्थानवाचक। अगला चौथा विभेद इनके पढ़ते हैं, मैंने कुछ अन्य उदाहरणों को लिख दिया है। विकास बाहर जा रहा, सीमा कहां घूम रही है, अनिरुद्ध रोज यहां फुटबॉल खेलता है,
सोहन मुझे रोज वहां दिखाई देता। तो ये जो यहां वहां कहां बाहर शब्द मिल रहे, ये सभी शब्द क्या है? स्थान वाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, अगला हम चौथा विभेद इसका पढ़ने जा रहे हैं, जो आप परिमाण वाचक क्रिया विशेषण क्या है। जैसा मुझे पता चल रहा है शब्द से ही आप कुछ आभास होने लगेगा। ठीक है, देखो भैया, परिमाण जहां पर परिणाम नहीं, परिणाम और परिमाण में फर्क होता है, याद रखना हमेशा। ठीक, ऐसे आविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते, वह शब्द परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब क्रिया जो हो रही उसकी संख्या के बारे में बता दे, उसकी मात्रा के बारे में बता दे, ऐसे शब्द। जैसे तुम्हें अधिक खाना चाहिए, खाने की क्रिया है, लेकिन यहां क्या शब्द आया? अधिक। इसीलिए ये क्या है? अधिक शब्द हमें क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहा। ठीक, तो यह क्या होगा? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का एक विभेद होगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य उदाहरणों को देख लो। अगला उदाहरण क्या है? कुछ अगर शब्दों को देखें, कौन कौन से शब्द मिलेंगे, तो वहां आंख बंद करके परिमाण वाचक विशेषण वो क्रिया विशेषण शब्द को चुनना है। ध्यान दे लो, जैसे लिखा है थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, कम, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, अनुमानता, सर्वथा, ये जहां पर शब्द मिल गए वहां समझ जाना ये किसके उदाहरण है। ये है आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अगला कुछ अन्य उदाहरणों को देख लो, समझ लो कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य वाक्यों में प्रयुक्त होने पर कैसे शब्द मिलेंगे। जैसे तुम्हें थोड़ा अधिक पढ़ना है, ठीक है, अधिक पढ़ना है, समझ गए। अगली चीज दूसरा क्या है? तुम्हें ज्यादा सुनना चाहिए। अब यहां पर ज्यादा शब्द आ गया, यह भी तो क्या बता रहा? परिमाण बता रहा। ठीक, क्रिया का परिमाण बता रहा। यहां पर जैसे भी इसमें शब्द मिलेंगे वो सारे शब्द आपको मात्रा, संख्या, परिमाण के बारे में दर्शाएंगे, और समझ जाना कि ये किसका उदाहरण है, ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, जैसे केवल एक घंटे सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, केवल एक घंटे। अब एक घंटा आपको क्या दर्शा रहा? यह तो परिमाण बता रहा। ठीक है, अगली चीज है, जैसे रोज अधिक पानी पियो, अधिक, ये जो शब्द आया ये क्या है? परिमाण बता रहा, क्रिया की जो है मात्रा को दर्शा रहा, परिमाण को दर्शा रहा। तो ये सभी शब्द क्या होंगे? ये सभी शब्द जितने हमने चर्चा किए ये सब आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होंगे। जैसे आप इतना थोड़ा क्यों बोलते हो, कुछ ज्यादा बोल दिया करो। ठीक, ये भी शब्द वही हो गया। ऐसे मेरे पास कम पैसे हैं, पैसे तो हैं मेरे पास लेकिन कम पैसे हैं, तो ये भी क्या हो गया? परिमाण को दर्शा रहा। तो ये भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। कुछ अन्य उदाहरणों को मैंने लिख दिया है, वह रोज अल्प आहार लेता है, अशोक थोड़ा दौड़ता है, थोड़ा कम बोलो, सुभाष बहुत पढ़ता है। भैया आप इतना ज्यादा कैसे बोल लेते हो? तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। आमिर रोज सिर्फ 2 घंटे सोता है, ठीक है, एक पूरा घड़ा बूंद बूंद से भरता है। ये शब्द जो सब कुछ मिल रहे ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। ठीक है, उदाहरण है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको सारी चीजों को। हमने क्रिया विशेषण में सब कुछ आपका चर्चा कर लिया। जिन लोगों को अभी भी लगता है कि हमें टीम से कैसे जुड़ना है, क्या चीजें कैसे करनी है, उन लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है, जो यहां पर नंबर दिए गए हैं टीम के द्वारा, आपको कोई भी समस्याएं हो रही है, ठीक, तो उसके लिए आप इन दिए गए नंबर्स 9450006007 या इन किसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, सारे वीडियोज हैं। और दूसरी बात भैया, जो मैं बार बार कहता हूं, मेहनत अच्छी करता हूं, ईमानदारी से पढ़ाता हूं, इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट देकर जाओ, क्योंकि वही मेरे लिए क्या है? हौसला है, और मेहनत का मेरे जरिया होते हैं। आपके कमेंट से ही मुझे ऊर्जा मिलती है, और सकारात्मक होना दोनों का जरूरी है, एक उस टीचर का और दूसरा आपका।
इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करता हूं, आप मुझे मोटिवेट करिए। और वह मोटिवेशन क्या होगा, कुछ बढ़िया सा लिखकर जाओ और मन मस्तिष्क मेरा भी प्रसन्न होगा, आपका भी। तो कल्याण सर्वदा होना है, मेरी भर्ती मेरा जुनून दिमाग में बिठा लो और टीम के साथ जबरदस्त मेहनत करो। लेखपाल तो हम चला ही रहे हैं, उतना ही बेहतर, उतनी ही बेहतर ये भी चलाएंगे, ठीक है। बहुत ढंग से पढ़ो बच्चा, सिलेक्शन होना है, कहीं भी भटकाओ की आशंका को छोड़ दो, टीम की बाह को पकड़ लो और हम नैया पार कराएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मस्त होकर पढ़ो, धन्यवाद।